हेलो एवरी वन दिस इज योर बंदिनी शर्मा वेलकम बैक टू माय चैनल बीएमबी ट्यूटोरियल सो लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस हाउ टू ऐड एंड सब्टेक्ट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ओके सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट टू दैट इज टोटली बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रेक्शन ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ओके सो लेट स्टार्ट इट नाउ सी क्वेश्चन नंबर वन सिम्पलीफाई कम्बाइनिंग लाइक टर्म्स ओके तो इस क्वेश्चन में आपको पहले टर्म्स को करना है देन उनको सिंप्लीफाई करना है मीन्स एड हो रहे हैं तो ऐड करना है सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करना है ओके सो लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट ट्वेंटी वन बी माइनस थर्टी टू प्लस सेवन बी माइनस ट्वेंटी बी सो फर्स्ट वी विल कंबाइन द लाइक टर्म्स ओके सो ट्वेंटी वन बी दिस इज माइनस थर्टी टू कॉन्स्टेंट एंड दिस इज प्लस सेवन बी नो सी ट्वेंटी वन बी एंड सेवन बी बोथ आर हैविंग सेम बारियेबल बोथ हैविंग सेम सेम वारियेबल सो दे विल बी लाइक टर्म्स सो प्लस सेवन बी देन माइनस ट्वेंटी बी माइनस ट्वेंटी बी इसमें भी क्या है सेम बारियबल बी ओके तो इसको भी आपको साथ में लिखना है ओके okay. सबसे पहला स्टेप क्या है जब भी हम किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो लाइक टर्म्स को कंबाइन करते हैं मीन्स एक साथ रखते हैं फिर उनको सॉल्व करेंगे ओके okay. तो यहाँ पर ट्वेंटी वन बी सेवन बी माइनस ट्वेंटी बी ये तीनों ही क्या हैं लाइक टर्म्स है तो इसलिए इनको इनके साइन के साथ ट्वेंटी यहाँ पर देखिए ट्वेंटी बी नेगेटिव है तो इसको इसके साइन के साथ हमने यहाँ अरेंज किया है रिमेनिंग क्या है माइनस थर्टी टू रिमेनिंग माइनस थर्टी टू है माइनस थर्टी टू को हमने यहां से हटाकर यहां लास्ट में अरेंज कर दिया है तो जब भी हम टर्म्स को रीअरेंज करते हैं तो उनको उनके शायद साइन के साथ रीअरेंज करते हैं ओके सो सी वारियबल बी है सेम रहेगा नाउसी ट्वेंटी वन प्लस सेवन ओनली द न्यूमेरिकल कोपी सीट विल बी एड और सब्ट्रैक्टेड ओके सो ट्वेंटी वन प्लस सेवन ट्वेंटी एट एंड ट्वेंटी एट माइनस ट्वेंटी मीन्स इफ बी राइट दिस एज ट्वेंटी वन प्लस सेवन माइनस ट्वेंटी ओके न्यूमेरिकल पार्ट को हमें सॉल्व करना है इसलिए हमने उनको ब्रैकेट में पुट कर दिया है वेरिएबल आपका सेम बी ही रहेगा देन माइनस थर्टी टू ओके सो ट्वेंटी वन प्लस सेवन ट्वेंटी एट एंड ट्वेंटी एट माइनस ट्वेंटी मीन्स ट्वेंटी एट माइनस ट्वेंटी बी माइनस थर्टी टू सो ट्वेंटी एट माइनस ट्वेंटी इज एट बी माइनस थर्टी टू न सी दीज टू आर अनलाइक टर्म्स one is constant and one with variable so they are unlike terms so we cannot simplify this so this will be the answer ok now see the second part so first term of this algebraic expression is minus z square so now we will consider only the terms with z square so yes second is also with z square and this is of z, and this is of z q, and this is of z means there are two terms with z squares. Next, if we take minus 5z, so minus 5z, and this minus 15z, these are like terms, so minus 15z remaining. This combine 2 combined. Ho यहाँ से ये दोनों कंबाइन हो गए रिमेनिंग क्या है प्लस सेवन जेड क्यू प्लस सेवन जेड क्यू सो सी इन दोनों को सॉल्व करना है देन इन जेड टर्म्स वालों को सॉल्व करना है मीन्स अगर यहाँ पर हम सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट देखते हैं तो देखिए जेड स्क्वेयर के आगे कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं है मीन्स वी हैव टू टेक इन सो माइनस वन विद माइनस साइन सो माइनस वन एंड दिस प्लस थर्टीन वेरिएबल चैड स्क्वेर ओके लाइक वाइज हेयर माइनस फाइव एंड माइनस फिफ्टीन So so okay. so कंबाइन like करना तो यहां पर जेड स्क्वायर बारिबल है तो उनको हमने कंबाइन किया है देन यहां जेड के टू टर्म्स है तो उनको कंबाइन किया है जेड क्यूब का कोई भी टर्म नहीं इसलिए हमने इसको लास्ट में पुट किया है अब देखिए जब भी हम लाइक like टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके न्यूमेरिकल पार्ट के साथ ऑपरेशन करते हैं तो माइनस वन है यहाँ पर प्लस थर्टीन है और वेरिएबल आपका सेम जेड स्क्वायर रहेगा देन माइनस फाइव एंड माइनस फिफ्टीन है तो इसको हमने ब्रैकेट में पुट किया है जब आपने इस माइनस फाइव को ब्रैकेट में पुट कर दिया तो ब्रैकेट के बाहर क्या होगा प्लस का साइन ओके बाहर क्या होगा प्लस का साइन क्यों जब आप ब्रैकेट ओपन करते हैं तो देखिए प्लस इंटू माइनस इज माइनस एंड प्लस इंटू माइनस इज माइनस सो नो इफेक्ट देन प्लस सेवन जेड क्यू सो माइनस वन प्लस थर्टीन वन इज नेगेटिव अनदर इज पॉजिटिव सो देर विल बी सब्टशन सो थर्टीन माइनस वन इज ट्वेल्व एंड द साइन विल गो विद ग्रेटर नंबर दैट इज 13 here. So before 13 there is positive sign. So here also the result will be positive. So 12 and this z is square. Okay. Now this plus minus 5 minus 15 both are negative. So there will be addition. So 5 plus 15 is 20 and the sign will go with greater number that is 15 and this is negative. So result will also be negative. So minus 20. ये ट्वेंटी माइनस का इसलिए हम इसको ब्रैकेट में पुट कर रहे हैं सो माइनस ट्वेंटी जेड एंड नेक्स्ट टर्म इज सेवन जेड क्यू ओके सो ट्वेल्व जेड स्क्वेर इट बी ओपन दिस ब्रैकेट सो दे विल बी मल्टीप्लीकेशन बिटवीन दिस प्लस एंड माइनस सो प्लस इंटू माइनस इज माइनस सो माइनस ट्वेंटी जेड प्लस सेवन जेड क्यू के नाउ यू कैन सी दीज थ्री आर अनलाइक टम सो दे कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड सो द रिजल्ट विल बी द सेम ओके नाउ लेट्स मूव टू दर्ड पार्ट सो थर्ड पार्ट इज पी माइनस इन ब्राकेट पी माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस इन ब्राकेट क्यू माइनस पी ओके सो सबसे पहले आपको ये ब्राकेट ओपन करना है तो देखिए पी जब भी ब्रैकेट ओपन करते हैं किसी अलज्रिक एक्सप्रेशन में ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ब्रैकेट के बाहर जो भी साइन है उससे ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स हैं उनसे मल्टीप्लाई होता है ओके सो माइनस इंटू दिस प्लस पी पी पॉजिटिव है यहाँ पर ओके मीन्स साइन यहाँ पर क्या है प्लस का है सो माइनस इंटू प्लस इज माइनस सो माइनस पी देन माइनस इंटू दिस माइनस इज प्लस क्यू ओके पी पॉजिटिव है प्लस साइन के साथ सो माइनस इंटू प्लस एज माइनस माइनस पी हो गया देन ये जो क्यू है वो नेगेटिव है सो माइनस इंटू दिस माइनस क्यू एज प्लस क्यू ओके ना माइनस क्यू एज इट इज ना हेयर इी ओपन दिस ब्राकेट सो माइनस इंटू प्लस क्यू एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ओके okay. सो so, अगर दोनों में से एक भी नेगेटिव होता है तो रिजल्ट नेगेटिव ही आता है सो माइनस इंटू प्लस क्यू इज माइनस क्यू एंड माइनस इंटू दिस माइनस पी मींस वो था नेगेटिव वी आर मल्टीप्लाइंग सो प्लस पी ओके ना सी पी माइनस पी इज जीरो क्यू माइनस क्यू इज zero then remaining is minus q and plus p okay so if we rearrange this so positive plus p we can write here and if you subtract or add the 0 there will be zero in answer so p minus this q so answer will be p minus Q. Or you can write minus q plus p both are same. Okay. Now see the fourth part. 3a minus 2b minus ab minus in bracket a minus b plus ab bracket close plus 3ab plus b minus a. Okay. So this is an algebraic expression and we have to simplify it by combining like terms. Okay. So first we will open this bracket. बिफोर मूविंग फॉरवर्ड फर्स्ट वी विल डिस्क्लोज दिस ब्रैकेट ओके सो थ्री ए माइनस टू बी माइनस ए बी नाव से ब्राकेट के बाहर साइन कौन सा है माइनस का ओके okay? तो इसका मतलब इस माइनस का इस ब्राकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं उनके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है ओके सो माइनस इंटू दिस प्लस ए माइनस प्लस minus into plus is minus so minus a and minus into this minus b both are negative so there will be plus so plus b minus into this plus minus ab now plus 3ab plus b minus a now we will combine the like terms okay so the terms with variable a थ्री ए एंड दिस माइनस ए साइन के साथ हम रिअरेंज करेंगे ठीक है विदाउट साइन हमें लेकर नहीं आना है ओके थ्री ए पॉजिटिव है माइनस ए सो दीज आर द लाइक टर्म्स विद वैरिएबल ए माइनस टू बी सेकेंड टर्म इज माइनस टू बी ओके कम बाइन the terms with b variable so this c plus b plus b then plus b again okay now the terms with variable ab so minus ab minus ab here also minus ab and this प्लस थ्री ए बी ओके तो हमारे पास टर्म्स ए वेरिएबल, बी वेरिएबल एंड ए बी वेरिएबल के हो गए ओके okay? अब इन टर्म्स को हमें क्या करना है सॉल्व करना है तो देखिए सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट एड और सब्जेक्ट होगा तो उसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं तो यहाँ क्या है थ्री एंड दिस इज माइनस वन ए के आगे कोई भी नंबर नहीं है इसका मतलब हमें क्या जूम करना है वन सो थ्री माइनस वन माइनस वन आफ्टर द वेरिएबल ए ओके ए इन द सेम वे सी दिस इज माइनस टू सो वी विल पुट हेयर प्लस साइन वाई वी आर टेकिंग ब्रैकेट हम ब्रैकेट ले रहे हैं ओके okay? ब्रैकेट ले रहे हैं तो देखिए यहाँ पर माइनस टू एंड दिस इज प्लस वन एंड दिस इज प्लस वन एंड द वेरिएबल इज सेम बी ओके सेम न्यूमेरिकल पार्ट्स को हमने क्या किया ब्राकेट में पुट कर दिया तो यहाँ माइनस टू है यहाँ कोई भी नंबर नहीं है मीन्स हमें वन लेना है एंड हेयर ऑल्सो वन एंड द वेरिएबल इज बी ओके नाउ सी दिज टर्म सो प्लस इन ब्राकेट जब भी न्यूमेरिकल पार्ट मीन्स जब भी कोई टर्म नेगेटिव होगा ठीक है कोई टर्म नेगेटिव होगा और उन्हें हमें ऐड या सबक्रेक्ट करना है तो आप न्यूमेरिकल पार्ट को ब्रैकेट में लेंगे सो बिफोर ब्रैकेट आपका कौन सा साइन होगा प्लस का सो सी माइनस ए बी मीन्स माइनस वन एंड हेयर ऑल्सो माइनस वन कोई भी नंबर नहीं है इन वारियबल्स एल्जेब्रिक फैक्टर्स के आगे इसलिए हमें वन लेना है ऑफ विद साइन साइन कौन सा है माइनस एंड प्लस थ्री वेरिएबल ए पी ओके आप सॉल्व करिए थ्री माइनस वन इज टू एंड टू माइनस वन इज वन थ्री माइनस वन इज टू एंड टू माइनस वन इज वन मीन्स वन ए ओके एंड प्लस साइन वन प्लस वन टू वन प्लस वन एज टू एंड टू माइनस टू एज जीरो ओके हेयर इज माइनस टू एंड इफ यू आर एड दिज वन सो वन प्लस वन एज टू सो माइनस टू प्लस टू माइनस टू प्लस टू क्या होगा जीरो मीन्स जीरो बी इधर देखिए माइनस वन माइनस वन दोनों ही नेगेटिव हैं एड होंगे सो माइनस वन माइनस वन विल बी माइनस टू एंड माइनस टू प्लस थ्री एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव सब्ट्रैक्शन होगा सो थ्री माइनस टू इज वन और साइन किसका ग्रेटर नंबर का जाएगा मीन्स थ्री का थ्री के आगे कौन सा साइन है प्लस का सो आंसर विल बी वन ए बी ओके तो देखिए जब भी कॉपी सेंट वन होता है कोफ़िशेंट वन होता है तो हम उसको ऑमिट कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा ए ओनली सी ईयर जीरो बी मीन्स जीरो इंटू बी किसी भी नंबर या वेरिएबल को आप जीरो से मल्टीप्लाई कराते हैं आंसर जीरो ही आता है तो ये क्या हो जाएगा आपका जीरो और जीरो आप किसी भी वेरिएबल या नंबर में ऐड करिए वही नंबर रहेगा इसलिए जीरो की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है सो ए प्लस ए बी ओके ए प्लस ए बी विल बी द आंसर यू कैन सी दीस टू आर अन वी कैन नॉट एट दो द रिजल्ट सेयर इज नो एनी ब्रैकेट सो ओनली वी हैव टू कम्बाइन द लाइक टर्म सो फर्स्ट टर्म इज फाइव एक्स स्क्वायर वाई तो अब हमें उन टर्म्स को सर्च करना है उन टर्म्स को कंबाइन करना है जिनके बारीबुल्स क्या है एक्स स्क्वायर वाई ओके यहां पर देखिए एक्स ये टर्म्स है और टर्म्स क्या होते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स तो यहां पर देखिए यहां एल्जेब्रिक फैक्टर क्या है सेम है एक्स स्क् एक्स स्क् बाई बाई और इन सब का क्या मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लीकेशन क्या होता है कॉमिटेटिव होता है सो so, आप एक्स स्क्वायर वाई भी लिख सकते हैं बाई एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं ओके okay? तो ये भी लाइक like टर्म हो जाएगा मीन्स थ्री वाई एक्स स्क्वायर और देखिए और कोई भी टर्म नहीं है ऐसा नाउ सेकेंड टर्म क्या है माइनस फाइव एक्स स्क्वायेर ओके मीन्स अब हमें स्क्वायर वाले टर्म्स को देखना है तो एक स्क्वायर ये है सो प्लस एक्स स्क्वायर देन और कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जहाँ पर वेरिएबल एक्स स्क्वायर हो नेक्स्ट ये तो हमने यहाँ पर लिख लिया नेक्स्ट है माइनस थ्री वाई स्क्वेयर माइनस थ्री वाई स्क्वेयर सो वाई स्क्वेयर मीन्स दिस माइनस वाई स्क्वेयर एंड दिस वन ऑल्सो माइनस थ्री वाई स्क्वेयर ओके नाउ द रिमेनिंग टर्म्स ओनली दिस वन प्लस एट एक्स वाई स्क्वेयर प्लस एट एक्स वाई स्क्वेयर ओके सो so, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो सिर्फ इनके न्यूमेरिकल फैक्टर्स एड होंगे मीन्स न्यूमेरिकल कोफिशेंट सो फाइव प्लस थ्री इज एट सो एट एक्स स्क्वायर वाई ओके और यू कैन राइट एट वाई एक्स स्क्वायर किसी भी फॉर्मेट में लिख लीजिए सेम है नाउ इधर माइनस फाइव प्लस वन माइनस फाइव प्लस वन एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव सब्ट्रैक्शन होगा सो फाइव माइनस वन यहाँ देखिए एक्स स्क्वेयर अकेला है मीन्स उसके साथ कॉन्स्टेंट क्या है वन है ओके सो माइनस फाइव प्लस वन सब्ट्रैक्शन होगा सो फाइव माइनस वन इज फोर और साइन किसका होगा ग्रेटर नंबर दैट इज फाइव सो माइनस फोर ओके माइनस फोर एक्स स्क्वेयर ओके माइनस फोर एक्स स्क्वायर अब यहाँ पर देखिए माइनस थ्री वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये आपने सॉल्व कर दिया अब यहाँ पर आ जाइए देखिए दोनों ही टर्म्स नेगेटिव हैं नेगेटिव है और यहाँ पर वाई स्क्वायर है मीन्स माइनस वन वाई स्क्वायर है ओके सो माइनस थ्री एंड माइनस वन विल बी माइनस फोर ओके दोनों ही नेगेटिव हैं तो क्या होंगे एड होंगे और साइन क्या होगा नेगेटिव का सो माइनस फोर वाई स्क्वेयर ओके ओ सो माइनस फोर वाई स्क्वायर एंड दिस वन मोर टर्म माइनस थ्री वाई स्क्वेयर ओके एंड द नेक्स्ट टर्म इज प्लस एट एक्स वाई स्क्वेयर देखें एट एक्स स्क्वायर वाई माइनस फोर एक्स स्क्वेर सी माइनस फोर एंड माइनस थ्री ये दोनों क्या है लैक like टर्म्स ही है ना सो माइनस फोर माइनस थ्री दोनों ही नेगेटिव है ऐड हो जाएंगे सो फोर प्लस थ्री इज सेवन फोर प्लस थ्री इज सेवन मीन्स और साइन कौन सा होगा ग्रेटर नंबर दैट इज फोर सो माइनस सेवन माइनस सेवन वाई स्क्वायर प्लस एट एक्स वाई स्क्वेर okay now see these all are unlike terms so they cannot be added or subtracted so result will be this now come to the sixth part so next is sixth part in bracket 3y square plus 5y minus 4 bracket close minus in bracket 8y minus y square minus 4 bracket close okay so is क्वेश्चन में आपको टर्म्स तो दे रखे हैं बट विद ब्रैकेट तो सबसे पहला काम हमारा यहाँ पर यह है कि इस ब्रैकेट को रिमूव करना ओके सो so, अगर इस फर्स्ट ब्रैकेट को रिमूव करते हैं तो यहाँ आगे कोई भी नंबर या साइन नहीं है मीन्स प्लस का ही साइन है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना है ओके सो थ्री वाई स्क्वेर प्लस फाइव वाई माइनस फोर ओके जब हम ये इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इस ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है माइनस का अगर सपोज प्लस का साइन होता तो टर्म्स में टर्म्स के साइन में कोई चेंज नहीं होना था सिर्फ हमें ब्रैकेट ओपन करना था और टर्म्स को वैसे ही लिख देना था बट यहाँ पर कौन सा साइन है माइनस का है. इसलिए इस माइनस का इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं उनके साथ क्या होगा मल्टीप्लीकेशन सो so, माइनस इंटू प्लस एट वाई Minus into plus means minus. So, minus 8y. Minus into minus y square. Both are negative. So, will be plus y square. Minus into this minus means plus 4. Okay. Minus into minus plus 4. Now, combine like terms. So, first 3y square. and this one plus y square. Next term is plus 5y हर एक टर्म को आपको साइन के साथ लिखना है रीअरेंज करते टाइम साइन को छोड़ना नहीं है उस टर्म का ओके नाउ सो प्लस फाइव वाई एंड दिस माइनस एट वाई नेक्स्ट माइनस फोर एंड दिस प्लस फोर ओके नो एट दिस सो थ्री प्लस वन बाई स्क्वेयर किसी कॉन्स्टेंट के साथ नहीं है मीन्स इसके आगे कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं है मीन्स वन है सो थ्री प्लस वन मीन्स फोर बाई स्क्वेयर देन प्लस फाइव एंड माइनस एट अगर हम इनके न्यूमेरिकल पार्ट्स को सॉल्व करते हैं तो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है इट मीन्स सब्ट्रैक्शन होगा सो एट माइनस फाइव एच थ्री और साइन कौन सा होगा इस ग्रेटर नंबर एट का और एट के पहले कौन सा साइन है माइनस का सो माइनस थ्री वाई ओके नाउ माइनस फोर प्लस फोर दोनों ही ऑपोजिट साइन के हैं और इक्वल है, इसलिए क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे मीन्स इनकी वैल्यू क्या है जीरो है सो द रिजल्ट इज 4y square minus 3y. Both are unlike terms, they cannot be subtracted. Okay.